कंपनी में काम करने वाले मजदूरों ने दिया श्रम मंत्री को ज्ञापन। देवास में भंडारी नाम की कंपनी के काम करने वाले मजदूरों ने आज श्रम मंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि कंपनी द्वारा मजदूरों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही, ना ही डीए कटता है और ना ही वेतन विसंगतियां दूर की जाती हैं। वहीं मांग करने पर कंपनी द्वारा 75 मजदूरों को निकाल दिया गया, जिसके विरोध में कर्मचारी विगत कई माह से आंदोलनरत हैं। वहीं कंपनी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर श्रम मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे। सरकार ने उस वक्त बात नहीं मानी और तब से मजदूरों को निकाल के रखा हुआ है, तो लोग एक उम्मीद लेके आए कि सरकार बदली है और यहाँ बात मानी जाएगी। ज्ञापन पढ़ के एक बार हमारे लगा कि आप यहाँ आए हुए। क्या आपका शुभ नाम? क्या आपका शुभ नाम बताएं? हिमांशु। आप आए थे तो आपका भोजन भोजन की व्यवस्था करा रहा था। हम लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा करके, बेहतर होता कि यहाँ की बजाय भोपाल आते तो जल्दी। निवास में भंडारी कंपनी है, भंडारी पॉइल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसमें 11 अक्टूबर 2018 से 200 से अधिक मजदूर काम बंद करके बाहर बैठे हैं। ये हड़ताल चल रही है और हड़ताल जिन विषयों पर है वो श्रम कानूनों को कंपनी में लागू कराने, सेफ्टी शूज, परमानेंट लेटर और जो वेतन का समझौता होता है जो कि मई में ख़त्म हो चुका था उसको दोबारा नए तरीके से करने के लिए मांग की थी, जिस पर कंपनी ने कोई रुख नहीं दिया, तो हम लोगों ने इस हड़ताल की थी। हड़ताल के बाद लगातार कंपनी मैनेजमेंट परेशान करता रहा और 73 मजदूरों को उन्होंने निकाल दिया। तो हड़ताल अभी भी जारी है, 73 मजदूरों का निष्कासन उस हड़ताल को और ज़्यादा गंभीर कर दिया है उन्होंने। उसी के विरुद्ध हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे और श्रम मंत्री से निवेदन करने आए थे कि सरकार इसमें दखल दे और जो कंपनी का मैनेजमेंट है उनको कानूनों को लागू करने के लिए सख्ती से प्रयास किया जाए और मजदूरों की मांगों का। श्रम मंत्री की ओर से क्या आश्वासित किया गया? श्रम मंत्री महोदय की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि 16 तारीख को उन्होंने भोपाल में हमको एक डेलीगेशन के साथ पूरा मामला विस्तृत रूप से बताने के लिए कहा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मजदूरों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सभी मजदूरों की मांगें हल हो सकेंगी।